हेलो व्यूअर्स, मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। मनुष्य जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, स्वभाव से मनुष्य बनना बड़ी बात है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हारता वही है जो संतुलन खो देता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त बस प्यार ही दे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने ही कहाँ देता है। यादों में बहुत ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती हैं। जीवन में किसी पर दया करो तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करो तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। शमशान की राख देखकर मन में एक विचार आया, केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं साथ नहीं हूँ तुम्हारे। मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ। फिर से प्रयास करते वक्त मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं, अनुभव से होगी। परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हो, उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, तो असल में वो दो चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। आप तब परिपक्वता प्राप्त करते हैं जब आप अपनी खुशी को संसारिक वस्तुओं से जोड़ना बंद कर देते हैं। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं बल्कि जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना है। अहमियत उनकी ज्यादा होती है, अहम जिनमें कम होता है। कर्तव्य ऐसा आदर्श मित्र है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा खूबसूरत होता है। ना जाने कौन सी दवा मिलती है तेरे दर पे मेरे सतगुर, कुछ पल बैठ लूं तो सुकून सा मिलता है। खुदा ने अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाया होता तो इंसान कभी यकीन न करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, ये सोचकर चुप करके रह जाते हैं। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने आप को नहीं मार सकते। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। विपत्ति के समय ही पता चलता है कि परिवार में लगाव कितना है, वरना रिश्तों में प्यार नापने का कोई तराजू नहीं होता। जो रुला कर मना ले वो बाप है, जो रुला कर खुद रो पड़े वो माँ है। शिकायतें कम किया कीजिए जनाब, आप जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी भी किसी के लिए सपना है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। कामयाब इंसान वह नहीं जो किस्मत के भरोसे बैठकर मौके का इंतजार करते हैं। असल में कामयाब लोग वे लोग हैं जो अवसरों को अपना दास बना लेते हैं। कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। हर वो काम असंभव होता है जिसे करने की कोशिश ही ना की जाए। इच्छाएं बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, और इच्छाएं स्थिर होगी तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बनती है।